देखिए लास्ट टाइम पर आप लोगों का फाइलम मोलस्का हुआ था, ठीक। मोलस्का हमने बताया कि आज के टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, जो इकाइनोडर्मेटा होता है ये भी क्या होते हैं, इनको हम टू वर्ड में तोड़ेंगे तो दो वर्ड आएगा फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो प्लस डर्मेटा
ब्लास्ट, इन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लो ब्लास्ट। बायोलेटरल मीन्स हमने बताया है कि ऐसे आदमी को किसी भी एंगल से अगर इनको हम कट करते हैं तो टू इक्वल पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, बायोलेटरल। तो इनका हम करेक्टर देखेंगे, ये आदमी क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। एग्जाम्पल इनका हमने बताया है स्टार फिश, स्टार फिश, और भी एक मेन करेक्टर होता है, फाइलम पोरिफेरे में पढ़ेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम होते थे। फाइलम पोरिफेरे में क्या थे, वाटर कैनाल सिस्टम, जल जल नाल तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम, जल नाल तंत्र। इस फाइलम फाइलम इकाइनोटेरिफेटा में होंगे एक सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर करने में। तो ये क्या होते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन होता है।
डेवलपमेंट, इनका विकास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, दोनों टाइप से हो सकता है। ठीक, तो आज की टॉपिक थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों टाइप। तो आज की टॉपिक थी फाइलम इकाइलो डर्मेटा। तो हमने बताया कि इकाइलो डर्मेटा मीन्स क्या होते हैं। द वर्ड इकाइलो डर्मेटा मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इकाइलो प्लस डर्मेटा। इकाइलो मीन्स होते हैं स्पाइन, डर्मेटा मीन्स स्किन। इट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द अपर सरफेस इज स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज इकाइलो डर्मेटा। इस ऑर्गेनिज्म के अपर सरफेस पर क्या होते हैं, कांटे के समान स्ट्रक्चर होते हैं, दस इस प्रकार इन्हें हम इकाइलो डर्मेटा कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो इनके फाइलम में रखे गए उन्हें इकाइलो डर्मेटा एनिमल, फाइलम इकाइलो डर्मेटा के एनिमल कहते हैं। इनके बॉडी के अपर, ऐसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अपर सरफेस पर जो इनकी अपर सरफेस पर स्किन होती है वो कांटे के समान की स्ट्रक्चर होते हैं, स्पाइनलाइन होते हैं। एग्जाम्पल है स्टार फिश। ये एनिमल एक्वाटिक, इनका हैबिटाट जो होता है वास स्थान होता है, ये एक्वाटिक एनिमल होते हैं। इट मीन्स फाउंड इन द वाटर, ये इस प्रकार पाए कहाँ जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए हमें एक्वाटिक कहते हैं। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, शारीरिक संगठन होता है और ट्रिप्लोब्लास्ट होता है। इट मीन्स इनकी जो बॉडी होती है मेड अप ऑफ थ्री जेल लेयर या थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जो कि आप लोगों को बार बार पढ़ाते चले आ रहे हैं, हो सकता है लर्न भी हो गया होगा। और बायोलेटरल होती, बायोलेटरल मीन्स भी बताए हैं, इसमें एक पाया जाता है स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ट्रिप्लो वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो कि आप लोगों ने ओरिफेरा में पढ़े होंगे, ओरिफेरा में पढ़े होंगे वाटर कैनाल सिस्टम। लेकिन फाइलम इकाइलो डर्मेटा में आप लोग पढ़ेंगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम को हम फूड फीट भी कहते हैं, फूड फीट, ट्यूब फीट, वाटर वैस्कुलर सिस्टम को हम ट्यूब फीट भी कहते हैं। इनका फंक्शन भी होता है, जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होते हैं हेल्प फॉर रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, ठीक, एंड टेकिंग फूड। मींस इनका जो फंक्शन होता है कुछ फूड को अंदर करते हैं, श्वसन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, लोकोमोशन मींस गत करते हैं। ठीक, तो इनका एक फंक्शन हो गया। अब हम देखेंगे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या होती है, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म दोनों हो सकते हैं। मींस मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर सेपरेटेड, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, इनका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों टाइप से हो सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से हो सकता है। तो आज की टॉपिक थी आप लोगों की फाइलम इकाइलो डर्मेटा। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट टॉपिक।